व्यूअर्स, आज हम आपको क्रोम कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज बताने वाले हैं, जिसको अगर आप जान लीजिएगा तो आप क्रोम में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाइएगा। शॉर्टकट कीज जो है वो विंडो लाइनिंग दोनों के लिए है, और यूज़र को ज़रूर जानना चाहिए। यूज़र मस्ट नो दीज कीज टू प्रैक्टिस टू वर्क एफिशिएंटली इन क्रोम विंडो। इसमें से 5 तरह से हम कीबोर्ड की कीज को सेट कर सकते हैं। पहला है टैब एंड विंडो शॉर्टकट, गूगल क्रोम फीचर शॉर्टकट, एड्रेस बार शॉर्टकट एंड वेब पेज शॉर्टकट, और 5वां माउस शॉर्टकट है अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ माउस शॉर्टकट यूज़ करते हैं। आज हम लोग टैब एंड विंडो शॉर्टकट पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे, जिससे कि हम क्रोम में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए। तो चलिए क्रोम खोलते हैं। क्रोम में ऑलरेडी कई टैब खुले हुए हैं, अब हमें और कुछ टैब खोलना है। तो वन बाय वन हम आपको कमांड बताते जाएंगे। कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो नया खुल जाएगा, ओपन न्यू विंडो इन इग्नाइट मोड। और अगर इग्नाइट मोड में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एन करेंगे। तो कंट्रोल एन किया तो हमने देखिए नया विंडो खुल गया। कंट्रोल शिफ्ट और एन करेंगे तो देखिए इग्नाइट मोड में खुल गया। अब हमें इसको इग्नाइट मोड में नहीं चाहिए था, अभी हमें इसी मोड में चाहिए। नेक्स्ट आपको है ओपन अ न्यू टैब एंड जंप टू इट। अब सेम विंडो में अगर आपको टैब खोलना है तो कंट्रोल प्लस टी करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस टी करिएगा तो ये देखिए आपका आ गया नया टैब। तो नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल प्लस टी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और टी करेंगे तो री ओपन प्रीवियसली क्लोज टैब इन ऑर्डर दे वर क्लोज। जिस ऑर्डर में आपने क्लोज किया उसी ऑर्डर में वो खुलेगा। अब मान लीजिए हमने ये फेसबुक वाला क्लोज कर दिया, ये टैब क्लोज कर दिया, तो जिस ऑर्डर में हम क्लोज करेंगे उसी ऑर्डर में वो खुलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और टी दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट और टी दबाइए। ये देखिए फेसबुक पहले बंद किया था हमने, फिर न्यू टैब हमने बंद किया था तो उसने वही खोल दिया। अब ये ज्यादा दब गया तो ढेर सारा आ गया, इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए ये वाला, अब ये जिस ऑर्डर में ये वाला विंडो खुला रहा होगा पहले, इसलिए ये वाला खुल गया, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको जिस ऑर्डर में खुला था उसी ऑर्डर में खुलेगा। देखिए प्रीवियसली कभी कभी हम कोई कोई विंडो बंद कर देते हैं और फिर याद नहीं आता हमको कि कौन से साइट पे हम गए थे, तो कंट्रोल शिफ्ट टी दबाइएगा तो आपका वो विंडो खुल जाएगा। अब जंप टू प्रीवियस ओपन टैब और जंप टू स्पेसिफिक टैब। प्रीवियस टू प्रीवियस टैब में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल प्लस टैब दबाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस टैब दबाते हैं। तो ये देखिए आपका जिस जिस टैब पे आप गए थे वो सारा वन बाय वन आता जा रहा है। अब कंट्रोल हम कंट्रोल प्लस वन दबाते हैं तो फर्स्ट टैब पे जाएगा, कंट्रोल प्लस 9 दबाएंगे हम तो लास्ट टैब पे जाएगा, तो अगर कंट्रोल प्लस 2 दबाएंगे तो सेकेंड टैब पे जाएगा, 3 दबाएंगे तो थर्ड पे, 4 दबाएंगे तो फोर्थ पे जाएगा। इस तरह से हम 9 टैब खोल सकते हैं। अब ये देखिए 9 टैब खोल दें, हम मैक्सिमम 9 टैब खोल सकते हैं। अब जब हम कंट्रोल 1 दबाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए आपका 6, 7, 8, 9 पे जाएगा। अब मान लीजिए हमें 6 पे जाना है तो डायरेक्ट कंट्रोल प्लस 6 दबाएंगे तो वो उस पर चला जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट किसी भी टैब पे जा सकते हैं। ओपन योर होम पेज इन करंट टैब। अब होम पेज हमारा क्या है, गूगल क्रोम है, तो जब ऑल्टर और होम दबाएंगे तो गूगल क्रोम वाला खुल जाएगा।
ओपन अ प्रीवियस पेज फ्रॉम योर ब्राउजिंग हिस्ट्री इन अ करंट टैब। अब ये लेफ्ट एरो की जगह पेज अप, पीजी अप और पीजी डाउन करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे जाता जाएगा। तो अब यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले होम दबाएंगे, फिर ऑल्टर होम दबाएंगे, फिर ऑल्टर पेज अप और ऑल्टर पेज डाउन दबाएंगे। तो क्रोम पे जाइए, ऑल्टर होम दबाया तो ये देखिए गूगल क्रोम के पेज पे आ गया। अब ऑल्टर अप दबाएंगे, अब इसमें ये देखिए अप दबाया तो ये यहाँ आ गया। ऑल्टर डाउन पेज डाउन दबाएंगे तो ये देखिए धीरे धीरे यहाँ पे था। ऑल्टर पेज डाउन दबाएंगे तो नेक्स्ट उसमें पेज डाउन पे दूसरी चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे जैसे हमने ढूंढा youtube.com, फेसबुक आया, अब जिस टैब पे जाना हमें थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट इसमें गए, क्लोज द करंट टैब। अब जिस टैब को बंद करना है उस पे जाते हैं आप, या तो क्रॉस दबाते हैं या तो कंट्रोल डब्लू कर दीजिए तो वो वाला टैब देखिए बंद होता जाएगा। कंट्रोल डब्लू से कंट्रोल शिफ्ट डब्लू, कंट्रोल डब्लू से क्लोज होता जा रहा है, ये पूरा ही क्लोज हो गया। तो फिर से खोलते हैं इसको, या ऑल्टर F4 करेंगे, मिनिमाइज करंट विंडो और मैक्सिमाइज करंट विंडो। अब कैसे करते हैं इसको, चलते हैं पहले क्रोम खोला, ये पूरा हमने कई बार दबा दिया था तो वो पूरा ही बंद हो गया था। अभी हम लोगों को और क्या करना है, कंट्रोल W से बंद होगा या कंट्रोल F4 से बंद होगा। कंट्रोल शिफ्ट W क्लोज द करंट विंडो, और केवल W करेंगे तो टैब बंद होगा, और कंट्रोल शिफ्ट W करेंगे तो विंडो बंद होगा। तो ये वाला हम लोग से खोल गया था। तो अब फिर से चलते हैं यहाँ पे, देखिए कंट्रोल शिफ्ट और W किया था तो कंट्रोल ऑल्टर F4 की करेंगे तो ये देखिए पूरा बंद हो गया। ऑल्टर F4 से पूरा बंद हो जाएगा, और कंट्रोल पहले टैब आप खोलना, कंट्रोल W से पूरा बंद हो गया इसको। गलत की दब गई, इसको खोले, नया विंडो खुल रहा है। कंट्रोल T से W की जगह T जब दबाएंगे तब टैब आएगा। अब टैब में यहाँ पे हमने लिखा youtube.com, यहाँ पे लिखा facebook.com, ठीक है। अब यहाँ पे गए, हम लोग ने क्या देखिए, हम लोग ने क्या दबा दिया था, कंट्रोल शिफ्ट और W, तो ये क्या करेगा, क्लोज करंट टैब कर देगा, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस W ऑल्टर F4 करेंगे तो भी विंडो क्लोज हो जाएगी, और कंट्रोल F4 करेंगे तो टैब बंद होगा। तो यहाँ पे गए, कई खुल गए ना, कई विंडो हम लोग ने खोल लिए, कंट्रोल टैब करा तो ये देखिए उस पर आ गया, विंडो पे टैब पे जा रहा है, डिफरेंट टैब्स पे जा रहा है।